तो उनका एक विजन था कि वो कुछ आयुर्वेद में कुछ करना चाहते थे ना, तो इसलिए फिर उन्होंने एक लामर हेल्थ केयर जो है उन्होंने एक न्यू रखी वहाँ पे। और अभी जो हमारी ऑनर जो एमडी हैं वो मिस्टर मैडम सोना लुल्ला है। ओके, ठीक है मैम। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग, 42 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारे 3 से 4 सेगमेंट्स हैं, हमारे एलोपैथ के भी हैं मैम, आयुर्वेद भी हैं हमारे, ठीक है, साथ में हम ओटीसी में भी कम वर्क करते हैं, होम्योपैथी में भी काम करते हैं। तो ये हमारी सारी रेंज है। सो यू मस्ट बी लिसनिंग गाइज कि हर पैथी की अपनी इम्पोर्टेंस है एंड आयुर्वेद कहाँ से चलकर कहाँ पहुँच रहा है ये सब आप खुद विजुअलाइज कर रहे हैं एंड जस्ट होप एंड विश कि आगे कहाँ तक जाए। हम लोग तो एज अ स्टूडेंट ग्रो कर रहे हैं तो बस बहुत अच्छा। अभी मैम आप देखोगे आने वाला जो समय है और जो टाइम आ रहा है, ठीक है ना, हाँ। अभी पेशेंट को पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है कि पेशेंट चाह रहा है विदाउट एनी साइड इफेक्ट ही सफरिंग, हाँ वो चाह रहा है कि मेन तो हो रहा है सर कि पेशेंट साइड इफेक्ट से ही ज्यादा सफर करने लग जा रहे हैं ना उसके बाद। जी तो अभी आप देखो जितनी भी बड़ी डिजीजेस हैं, जितनी हार्ट, तो कहीं ना कहीं इसके साइड इफेक्ट हमारे मॉडर्न मेडिसिन के हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन गलत है, हाँ। आप मॉडर्न मेडिसिन को लो, लेकिन जब आप एक टाइम के बाद जब आपको रिकवरी हो जाए तो आप स्विच करके आप आयुर्वेद में आओ, जिससे हाँ। कि आप विदाउट एनी साइड इफेक्ट वेलबींग सफर। वही कह रही थी ना, एट राइट टाइम इट्स नेसेसरी कि आप एक राइट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट कर लो। आप और मत करो, एक हाँ। अच्छे बीएमएस डॉक्टर पे जाइए, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपकी डिपेंडेंसी है स्टेरॉइड एलोपैथिक वो कम हो जाएगा, वो कार्डिक हो या डायबिटिक पेशेंट हो। तो आप जब एड ऑन करोगे ना आयुर्वेदिक मेडिसिन तो जो डोजेस बढ़ते जा रही है वो स्टॉप हो जाएंगे और आप कुछ दिन में देखेंगे वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ये इसका बेनिफिट है। वही चीज है सर, फार्मेसी का नेम और डिटेल्स मेंशन कर दीजिए। अच्छा ओके ओके, आप लीफलेट दे दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो गाइज यहाँ पर दिए उन्होंने कुछ वेलनेस प्रोडक्ट्स के सैंपल्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से आप बात करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब वापस अपने इवेंट एरिया में। प्रोग्राम के बाद यहाँ पर चल रही है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज थ्रू आयुर्वेदा की क्लास, चलिए चलते हैं। और फैटी लिवर डिपोजिशन सबको मिल ही जाता है, 30-35 के बाद मिलना शुरू हो जाता है, उसके बाद भी आप नहीं रुके तो फिर क्या होता है कि इंट्रामायोसेलुलर डिपोजिशन के बाद लीवर के पास जब एक्स्ट्रा आएगा तो क्या होगा, किसी को जरूरत से ज्यादा काम दिया जाए तो क्या करेगा, वो काम खराब करने लगेगा। तो जो फैटी सेल्स हैं इनको बड़ा फॉर्म, मतलब उसका एक रिफाइंड फॉर्म होता है HDL, ठीक, तो LDL, VLDL एंड ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हैवी मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट बनने लगते हैं और ये ब्लड सर्कुलेशन में जाने लगते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, तो यहाँ पे इंट्रामायोसेलुलर फैट डिपोजिशन जब तक होता रहता है तो आपको एक ऐसी कंडीशन भी मिलेगी पेशेंट्स में कि बहुत सारा लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है लेकिन डायबिटीज नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जो इंटर्न है या जो प्रैक्टिशनर्स है, उन्होंने देखे होंगे कि ट्राइग्लिसराइड इज रेज्ड, एलडीएल वीएलडीएल इज रेज्ड बट देयर इज नो डायबिटीज। तो वो थोड़ा किस्मत वाले होते हैं कि उनका बॉडी फैट का डिपोजिशन इंट्रामायोसेलुलर और पेरिफेरल में करवा रही है, लेकिन घड़ा तो भरना ही है, एक दिन घड़ा भर जाता है। तो जब घड़ा भर जाता है तो डिपोजिशन कहाँ शुरू होता है, पैंक्रियाज में। तो सेकेंड ट्यून साइकिल हाइपोथेसिस का सेकेंड फेज स्टार्ट होता है पैंक्रियाटिक डिपोजिशन, जैसे ही बीटा सेल के अराउंड में VLDL, TG, LDL, ट्राइग्लिसराइड इन सब का डिपोजिशन चालू होता है, पैंक्रियाटिक फेज रेजिस्टेंस चालू होता है, तब आपको मिलेगी पोस्ट पेंडल हाइपरग्लाइसीमिया। यह हो गया सेकेंड फेज बस। तो यही अब हमें सीधा सीधा निगेटिव कैलोरी बैलेंस में जाना है। निगेटिव कैलोरी बैलेंस में जाएंगे आपका काम होना शुरू हो जाएगा। गर्मी बहुत है, आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लिसनर्स दुखा, ठीक है। कुछ एक्चुअली टॉपिक मुझे याद रहना चाहिए ना, बोलना क्या है मुझे, देख के नहीं बोलना है लेकिन याद क्या है वो देखना पड़ेगा ना। अभी फिर इसके बाद हम क्लिनिकल सिम्टम्स में आते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर मिलेगा पेशेंट को, पॉलीयूरिया मिलता है। तो पॉलीयूरिया का रीजन क्यों होता है, क्या होता है, कुछ आइडिया?
अच्छा रीनल थ्रेशोल्ड ग्लूकोज का कितना होता है, शुगर का रीनल थ्रेशोल्ड कितना होता है, कितने के बाद पेशाब से शुगर आने लगता है? 180. गुड, वेरी गुड. तो जब ये शुगर रीनल थ्रेशोल्ड पार करता है तो शुगर मॉलिक्यूल इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यू मे नो. तो ये अपने साथ एक वाटर मॉलिक्यूल को लेके बाहर निकलता है, तो यू विल फील पॉलीयूरिया. एंड उसके बाद फिर शुरू होता है पॉलीडिप्सिया. तो एक वाटर मॉलिक्यूल बार बार लेके निकलता रहा तो उसको पेशेंट को प्यास लगती है. पॉलीडिप्सिया का एक और रीज़न है, वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये स्टमक, ये माउथ में कौन सा रिसेप्टर होता है, अल्फा या बीटा रिसेप्टर? अल्फा रिसेप्टर होते हैं, ठीक है. तो देयर इज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू एक्सेसिव थ्रस्ट, ठीक है. तो देयर इज अ पॉलीडिप्सिया. उसके बाद फिर अगला सिम्टम आता है पॉलीफेजिया. पॉलीफेजिया क्यों होता है? ग्लूकोज खत्म होता है. पॉलीफेजिया होने का सबसे बड़ा रीजन, मसल सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो वहां पे वो ब्रेन को बार बार भेजते रहते हैं. ये एक रीजन है, लेकिन ये रीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट देयर इज अ लेप्टिन रेजिस्टेंस. लेप्टिन कब काम करता है? लेप्टिन के बारे में किसी को कोई आइडिया? जस्ट रेज योर हैंड, आई विल नो. कोई बात नहीं. तो लेप्टिन रेजिस्टेंस होता क्या है? लेप्टिन एक हार्मोन है जो आपके फैट सेल्स सिक्रीट करते हैं. तो वो कब सिक्रीट होता है? एक्चुअली फैट सेल्स के बारे में आप थोड़ा सा अध्ययन करिएगा तो यू विल फाइंड कि फैट सेल्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. क्या काम करता है एक्चुअली, किस अवस्था में काम करता है? एरेंटल में क्यों, कौन सा एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? रेसिनोलिक एसिड. वो उष्ण होने के बाद जब इसको गर्म करते हैं 20-30 डिग्री गर्म करते हैं, गर्म होने के बाद ही ये विरेशन का कार्य करता है. अगर उसको ठंडा एरन तेल पिरा देंगे कुछ नहीं होगा. मेरा एक पेशेंट था, बोला सर 200 ml पी लिया कुछ हुआ ही नहीं. मैंने कहा कुछ हो गया नहीं तेरा, हो ही नहीं सकता. मैंने तुझे गर्म करने को बोला, सर सुबह 5 बजे कौन गर्म करेगा? मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता मेरा. अच्छा उसने ऐसा क्यों बोला, सुबह 5 बजे कौन गर्म करेगा? क्योंकि उसके शिथिलांगता हो जाती है. डायबिटीज में शिथिलांग, डायबिटीज के पेशेंट को सुबह उठाते रहो, उठता नहीं है जल्दी, ठीक है, क्योंकि अंग उसके शिथिल हो रखे. ठीक है, तो विरेचन के लिए, तो अभी सहस्त्र विरेचन उसको जो देना है उसको 6 बजे के पहले. कफ का काल कौन सा होता है? सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में कफ का काल होता है. उसके पहले वात का काल होता है ना. वयो अहो रात्रि भुक्ता नाम अंते मध्य दिगाक्रमा, है ना. तो ऐसे कंडीशन में उसको सुबह 6 बजे के पहले एरेंटल से उसको विरेचन दे देना है. उसका डोज 30 ml, 40 ml, 50 ml, कोष्ठ के हिसाब से आपको डिसाइड करना है. एरेंडफ्रिस्ट हरित की भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट को नित्य विरेचन देते रहना है. शोधन उसका होता रहना चाहिए. तो हफ्ते 15 दिन में एक बार उसको ऐसा शोधन दे देना है. एक्चुअली ये बार बार शोधन का कंसेप्ट मेरे दिमाग में डायबिटीज़ में इसलिए आया क्योंकि सारे डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जाके देखेंगे तो जलोदर तक रुकते हैं. जलोदर से पहले डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन रुकते नहीं हैं. चाहे वो कार्डियक डिसीज हो तो भी एसाइटिस होगा, लीवर फेलियर है तो भी एसाइटिस होगा, रिनल फेलियर है तो भी एसाइटिस होगा. प्राण अपान उदान तीनों का विकृति हुआ और वहाँ पे एसाइटिस डेवलप होता ही होता है. तो इसलिए यहाँ पे बहुद्रव है, यहाँ पे दो ही जगह है बहुत अति संचित मला नाम. जब उधर लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मलों का संचय हो रखा होता है, इसलिए वहाँ पे नित्य विरेचन की बात कही जाएगी. तो यहाँ पे भी बहुद्रव श्लेष्म, यहाँ पे श्लेष्म के रूप में बहुत सारा मल है तो उसको भी नित्य विरेचन कराते रहना है. तो उधर लोग के पूर्ण रूप में जब देखेंगे तो वहाँ पे एक लाइन है, भुक्ते विदहते सर्वम जीर्णा जीर्णा न वेत्ति च. ये फैटी लीवर का एकदम कंप्लीट ट्रीटमेंट से लेके डायग्नोसिस से लेके सब कुछ है. फैटी लीवर के डायग्नोसिस के लिए पेशेंट आएगा, सर कुछ भी खाते हैं भूख बार बार लग जाता है और जो खाते हैं पता नहीं कहाँ गया, नहीं पच रहा है, पेशेंट का ये कंप्लेन होगा. और फिर सस्वत बल छेम ईशस चौफस्य पादेव, ये भी मिलेगा आपको, ठीक है. तो उधर रोग का पूर्व रूप में है तो प्रमेय उधर रोग से बहुत पहले बताया गया है. तो एक्चुअली मुझे लगता है कि हो सकता है, मैंने ऐसा सोचा
ये प्रमेय में ऐसा मिलता है। फिर हमने जब नित्य विरेचन शुरू किया पेशेंट का 10-10, 15-15 दिन पे, तो शुगर इतना बढ़िया ट्रेमेंटसली कंट्रोल हुआ कि हम बता नहीं सकते आपको। मतलब 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में सारी एलोपैथिक, इवन पेशेंट जो इंसुलिन पे थे, जो हाइपर, एंड उसके बाद हुई थी रसायन चिकित्सा की क्लास बाय डॉक्टर तनुजा गुहाने मैम। अभी वो क्लिप मेरे पास नहीं है, मैं फिर कभी आप सभी को शेयर कर दूंगी अगर मिली तो। अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त किसी बात से परेशान थी, वो मैं आप सभी को जस्ट नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट फ्यूचर डॉक्टर रश्मि राज व्लॉग्स।